आपको भी सपना आता होगा, सपने में वो लड़की आती होगी, वो भी आपकी ड्रीम गर्ल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल नाम कहते ही आपको याद आता होगा हेमा मालिनी जी का। एक जमाने में ड्रीम गर्ल नाम कहते ही लोगों के दिलो दिमाग में याद आती थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी। जी हाँ दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था ड्रीम गर्ल नाम कहते ही हेमा मालिनी जी को लोग सब याद करते थे, क्योंकि उनका नाम ही ड्रीम गर्ल नाम रख दिया गया था। जिस पिक्चर में उन्होंने एक्टिंग की थी उस पिक्चर का नाम ड्रीम गर्ल था, और उस पिक्चर से वो काफी लोकप्रिय हो गई थी ड्रीम गर्ल के नाम से। पर आज के तारीख में अगर आप ड्रीम गर्ल की बात करें तो आयुष्मान खुराना ही याद आते हैं। प्रणाम, हाय, उशामुद्दीन, मैं तो अधूरा हूँ आप सबके बिन। आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम गर्ल पिक्चर के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। बाकी ये पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर में हीरो के रोल कर रहे हैं आयुष्मान खुराना। बाकी ये पिक्चर काफी अच्छा है, काफी अच्छा इन्होंने एक्टिंग की है। अगर हम आयुष्मान खुराना की एक्टिंग की बात करें तो वो तो काफी लाजवाब है आजकल तो, बाकी लोगों के बीच काफी छाए हुए हैं, और ऐसे एक्टर हैं जो किसी भी तरह के रोल करने को तैयार थे, बाकी वो कभी मना नहीं करते हैं। आयुष्मान खुराना इस पिक्चर में वो एक बचपन से क्या करते हैं कि अपने दोस्त के साथ रहते हैं। उनके दोस्त का नाम मनोजीत सिंह, जो मनोजीत सिंह जो है इस पिक्चर में उनके दोस्त के रोल कर रहे हैं। जैसे उनके दोस्त बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, तब बचपन में एक बार अपने स्कूल में टीचर ने अपने माँ से बात कराने को कहा था, तो उन्होंने प्रैंक कॉल करके उन्होंने टीचर से ऐसे बात किया जैसे उनके दोस्त की माँ बात कर रही हो। तब से उनका ये सिलसिला चालू हुआ, और धीरे धीरे वो औरत की तरह आवाज निकालना पसंद करते हैं, और अपने घर के इलाके जो नाटक होते हैं, शोज जो होते हैं, उसमें सीता का रोल या तो फिर राधा का रोल, इसे रोल करके लोगों को प्रभावित करते हैं। बाकी ये पिक्चर काफी अच्छा है। इस पिक्चर में हीरोइन की रोल कर रही है नुसरत भरूचा। नुसरत भरूचा काफी अच्छे एक्ट्रेस है, काफी अच्छा इन्होंने एक्टिंग किया, अच्छा सपोर्टिंग एक्टिंग किया है। बाकी ये पिक्चर में उनके पिताजी के रोल कर रहे हैं अनु कपूर जो उनके पिताजी के रोल कर रहे हैं। बाकी काफी अच्छे एक्टिंग एक्टर है, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, काफी पुराने एक्टर्स है और काफी अच्छा रोल कर लेते हैं भले उन्हें किसी भी तरह का रोल दिया जाए। और इस पिक्चर में एक पुलिस कर्मचारी के तौर में दिखाई देते हैं मिस्टर विजय राज। बाकी अच्छा काफी अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, पुलिस कर्मी रोल की तरह रोल करते हैं। पुलिस कर्मी है इस पिक्चर में जो पूजा के वॉइस से काफी प्रभावित हो जाते हैं, जो आयुष्मान खुराना जो इसमें रोल कर रहे हैं, जो इस पिक्चर में आयुष्मान खुराना एक पूजा के रोल कर रहे हैं एक कस्टमर केयर के दौर में, और ये औरत की आवाज में औरत की आवाज निकालते हैं और लोगों को काफी प्रभावित कर देते हैं अपने स्पीच से, तो काफी लोग इनके स्पीच में जो फिदा हो जाते हैं, जैसे अभिषेक बैनर्जी वो भी इस पिक्चर में फिदा हो जाते हैं इनके वॉइस से, और इनके वॉइस से इनसे प्यार करने लगते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, और जैसे हमारे विजय राज, अभिषेक बैनर्जी, ये सब इस पिक्चर में काफी अच्छे इन्होंने एक्टिंग किया है, काफी अच्छा लोगों ने सपोर्ट किया है, सपोर्टिंग एक्टर सबने अपना कैरेक्टर काफी अच्छा निभाया है, और गाने भी इतने अच्छे सेट किए हैं। इस गाने भी जैसे काफी अच्छा पीछा है राधे राधे और रिंग रिंग, ऐसे काफी अच्छा गाने हैं, गाने काफी अच्छे सेट किए हैं, काफी अच्छा एक्टिंग है हमारे आयुष्मान खुराना के, कहने की तो जरूरत नहीं है। आयुष्मान खुराना काफी अच्छा एक्टर है, और आजकल के जमाने के काफी अच्छे एक्टर कह सकते हैं तो आयुष्मान खुराना ही है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, देखने लायक है, परिवार के साथ देखने लायक है। मुझे तो पिक्चर काफी अच्छा लगा, मुझे तो ये पिक्चर काफी अच्छा लगा, मैंने अपने परिवार के साथ देखा। अगर आप भी देखना चाहें तो जरूर जाके थिएटर में देखिएगा, काफी अच्छा कॉमेडी है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है, काफी अच्छा डायलॉग्स है, मुझे पिक्चर बहुत अच्छा लगा। अगर आप पिक्चर जाके थिएटर में देखते हैं और देखिएगा, और जरूर मेरे कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल सत्या भाई को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद।